हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ईयर। सही है, तो मैं आज आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के पढ़ाऊंगा और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और ये मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कि हम एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज मैं पूरा कंसंट्रेशन एम्पिरिकल फार्मूला पे दूंगा। इसके क्वेश्चन करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको हर चीज क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। सही है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाए। सही है, तो भाई देखिए एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। सबसे पहले समझने की बात है कि एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। सही है, देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसके हिसाब से बोलते हैं कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द केमिकल कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सही है, देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है, सपोज करें जैसे कि मैं ले लेता हूँ ग्लूकोज, क्या ले लेता हूँ C6H12O6। आपको पता होगा ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सही है, अब देखें ये है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। ये हमें बता रहा है एक्चुअल, क्योंकि हमें बता रहा है कि ग्लूकोज कैसे बनता है। 6 कार्बन हो गए एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम, 6 ऑक्सीजन के एटम, तो ये हमें परफेक्ट बता रहा है कि डालेंगे तो बनेगा। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला के मुताबिक हमें हमारे को मिलता है सिर्फ होल नंबर का रेशियो। मतलब क्या, देख सकते हैं कि याद रखिएगा एम्पिरिकल फार्मूला में डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं आएगी। डेसिमल की जैसे 1.5, 3.5, तो ऐसी कोई वैल्यू आई ही नहीं सकती। सही है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। होल नंबर का मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाले जितने भी है, 1, 2, 3, मतलब पॉइंट वाले नंबर इसके अंदर नहीं आने वाले फॉर्मूले में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सही है, अब एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। सही है, तो आप समझिए, देखिए भाई ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। देखिए अगर आपको किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का आपको चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला, क्या चाहिए, क्योंकि हमें बात करिए रेशो की। अब याद रखिएगा रेशो का मतलब ये होता है, चलो भाई सबसे पहले मैं आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर कर सकूँ कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। सही है, देखिए भाई अगर आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप इससे निकाल सकें। सही है, देखिए भाई ये देखें आप यहाँ पर सबसे पहले गौर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो भी फॉर्मूला गिवेन हो आपको उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए, तो आपका सबसे पहला ध्यान कहाँ होना चाहिए पता है, कि इसके अंदर इस कंपाउंड में ये कि आपको देख सकते हैं कौन सा लीस्ट नंबर है। जैसे कि 12 6 से बड़ा है, तो आपका जवाब होगा यस सर 12 तो 6 से बड़ा ही है। तो सही है, अब यहाँ पर सबसे छोटा 6 ही है इसके अंदर, तो आप पता है क्या करेंगे, आप 6 का टेबल पढ़ेंगे। किसका टेबल पढ़ेंगे, 6 का टेबल, 6 1 6 6 2 12 6 1 6। इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे को मिलता है वो मिलता है CH2O। सही है, क्या मिलता है, CH2O। अब देखें मैं अब जो समझाऊंगा ना वो ये चीज़ है, ये क्या है, रेशियो में आ गई, क्या आ गई, रेशियो में आ गई। सही है, अब रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके पास उसकी पूरी वैल्यू नहीं है, आपके पास सिर्फ उसका रेशियो है। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करके ये उसकी एक्चुअल वैल्यू ला सको। समझ में आई, क्या बोला मैंने, कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए, होल नंबर में होगा, ऐसा नंबर होगा जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। सही है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला, रेशियो का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वापस आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाए। अभी ये रेशियो में है, अब देखें अब इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर डालें कि वापस इसी शेप में आ जाए, किस शेप में आ जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। सही है, तो भाई देखें अगर मैं आपको बोलूँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, तो भाई देखें सी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6, तो पता क्या होगा, देखें C6 हो जाएगा, H6 2 12 O, और ये 6 इधर आ जाएगा, वापस बन गया एम्पिरिकल O मॉलिक्यूलर फार्मूला।
तो ये हमें पता चला कि ये सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाता है होल नंबर में, डेसिमल का कोई काम नहीं है, और जो भी वैल्यू आएगी वो एक होल नंबर होगी। तो इस बात का आपको बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे अभी, तो इस बात का ख्याल रखना होल नंबर में और डेसिमल में नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखना बस। ठीक है, तो ये था हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए भाई समझे कि हमारे पास ए एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, क्या है, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। जो ए पार्ट में है वो 40 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है 40, और एक में है 20, क्या है 20, सही है। देखें भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मुझे इंपेरिकल फार्मूला ला के दो, क्या ला के दो, इंपेरिकल फार्मूला, सही है। तो पता है क्या होगा, ये हमें, ये तो हमारी क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला नहीं है, समझो एक्चुअल वैल्यू है, क्या है ये, एक्चुअल वैल्यू जो सही है बिल्कुल, और जिसका इंपेरिकल जो मतलब समझते हैं रेशियो में अगर चाहिए, रेशियो में, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइडेड बाय 2 कर 20 कर देंगे। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जो भी लीस्ट वैल्यू होगी, जो भी लीस्ट वैल्यू होगी उससे डिवाइड करते हैं। इसको भी आप पता कैसे कर सकते हैं, आप क्या करें कि C6 है, H12 है और O6 है। अब इसके अंदर जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या है 6, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 6 कर दें, डिवाइडेड बाय 6 कर दें, डिवाइडेड बाय 6, 6 से कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 6 से कैंसिल, बना गया, तो बन गया ना। तो आप ये भी कर सकते हैं, और एक जगह ये फेल हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ फेल हो जाता है, सही है। ये जो चीज़ मैंने बताई है ये एक जगह फेल हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा वो कहाँ फेल हो रही है, सही है। तो पहले ये देखें, 21 20 22 40, 21 20 21 20, तो जो रेशो आया है वो आया 2:1, सही है। तो ये एक रेशो मिला है हमारे को, क्या मिला है, रेशो, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसके साथ एक मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें एक, हमारे को रेशो का मतलब ये होता है एक परफेक्ट वे, आपके पास वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो उम्मीद है ये सब क्लियर हो गया होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें, सही है। तो कहाँ फेल होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तरीका मालूम करने का, देखिए हमारे पास जो विटामिन का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H8O6, क्या होता है C6H8O6। अगर मेरे मुताबिक जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या है 6, सही है, तो मैं डिवाइडेड बाय 6 करूँगा सबको, करूँगा ना, तो अगर 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, सही है, वन आ जाएगा, सही है, वन आ जाएगा, आ गया। लेकिन यहाँ फंस गए हम, कहाँ फंस गए, 8 और 6, और हम अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक डेसिमल होगी, और मैंने आपको अभी बताया कि एम्पेरिकल फार्मूला में डेसिमल का कोई काम नहीं है। तो भाई देखिए, अगर मैं आपके पास थोड़ा सा अगर आप दिमाग लाएँ ना, तो ये जो चीज़ है, ये जो अगर आप देखें टेबल पढ़ते हैं, टेबल तो आपको याद होंगे 2 3 4 5 6 जितने भी याद होगा शुरू किए, तो भाई करना क्या है आपको, सही है। आप ये देखें कि ये जो तीनों नंबर है वो क्या इवन है, तो आपका जवाब होगा सर 6 8 और 6, ये तो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर यहाँ से याद रखिएगा कि ये तो इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल से कट सकता है, किसके टेबल से कट सकता है, 2 के टेबल से, क्योंकि 2 के अंदर 6 आता है लेकिन 4 के अंदर नहीं आता, 3 के अंदर आता है लेकिन 3 के अंदर 8 नहीं आता। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही टेबल है जिससे तीनों कट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तीनों। तो भाई देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, वापस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, C6H8O6, भाई देखें 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, तो हमारे पास जो विटामिन का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया वो आ गया ये, दिस वन इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ विटामिन, सही है, सी विटामिन सी का फॉर्मूला, सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स न्यूमेरिकल्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, सही है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो याद रखिए, अगर आपने इस चीज़ को, इसके जो समझाने का मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपने इसके एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना सीख लिया ना, तो ये मेरी गारंटी है कि मोलिकुलर फार्मूला बिल्कुल आसान है, क्या है, मोलिकुलर फार्मूला बिल्कुल हलवा चीज़ हो जाएगी अगर आपने उसको हर एक स्टेप को मेरे ध्यान से समझा, सही है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एम्पेरिकल फार्मूला का, अब चलते हैं, अब क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा सिर्फ आपको, सही है। तो जल्दी से मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है, सही है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें मालूम क्या करना है, ये आप पढ़ सकते हैं, फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला, सही है।
तो भाई देखें, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस, क्योंकि हमें कोई भी सवाल सॉल्व करना हो, सही है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो उसके लिए डेटा बनाना है, तो इस बात को याद रख लें, डेटा से काम आसान होता है, तो सही है। तो यहाँ हम डेटा बनाएंगे जो जो चीज़ें हैं, सही है। सबसे पहले सवाल को रीड करते हैं एक दफ़ा, क्या हमें समझ में आ रहा है वो देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सही है, तीन चीज़ों का कंटेन कर रहा है कंपाउंड, सही है। 2.14 ग्राम ऑफ सैंपल, तो भाई देखें ये जो इसने दी है ना, ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये वाली जिससे मार्क कर रहा हूँ, तो ये पता क्या है, ये मास है कंपाउंड का, किसका मास है, कंपाउंड का मास। आगे चलते हैं, ऑन कंप्लीट कंबस्चन, पूरी कंबस्चन होने के बाद गेव क्या देता है हमारे को, 3.105 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.27 ग्राम ऑफ वाटर H2 होगा, सही है। तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, सही है। तो भाई आप तैयार हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलें भाई। सबसे पहले मैं कहाँ डेटा बना दूँ, यही डेटा बना देता हूँ, सही है। तो भाई देखें, सबसे पहले यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको, डेटा में क्या लगेंगे देखें भाई, डेटा में सबसे पहले हमारे को जो नज़र आ रहा है वो क्या है, मास ऑफ कंपाउंड कितना है भाई, 2.14 ग्राम, सही है। आगे चलते हैं, किसका है मास, ये हमारे को मिल रहा है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 3.105 ग्राम। उसी तरीके से मास ऑफ H2O मतलब वाटर कितना है, 1.27 ग्राम। भाई देखें, ये तो हमें पता चल गया, सही है, ये तीन चीज़ें हमारे सामने थी, हमें मालूम क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमें क्या मालूम करना है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, याद रखिएगा किसका मालूम करेंगे, कंपाउंड का। तो भाई देखें, इसको अगर हमें सॉल्व करना है ना, तो ये एक और बात बताऊँ, मेन चीज़ देखें भाई, कभी कभी सवाल हमारे पास इस तरीके से आता है, कभी कभी हमारे पास जो सवाल आता है वो परसेंटेज गिवन होती है, सही है। तो ये जो मैं अभी तरीका कराने वाला हूँ ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्या होगा, लॉन्ग। उसके बाद जो दूसरा मैं जो सवाल लूँगा ना, वो परसेंटेज होगा, वो आपको अभी सब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सही है। अभी सब क्लियर करूँगा मैं, जो सवाल अगला लूँगा वो आपको और क्लियर, उसमें आसान तरीका बताऊँगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीका है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, सही है। तो तैयार रहिए, सही है। अब देखें, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, कौन कौन से मैं लिखवा रहा हूँ, सही है। तो यहाँ लिखवा रहा हूँ, तो यार नोट कर लीजिएगा, हमारे को सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा मास ऑफ एलिमेंट, क्या कैलकुलेट करना होगा, मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मास, और वो किससे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ देखें भाई, सही है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मास ऑफ, फॉर्मूला यहाँ पर लिखवा रहा हूँ ध्यान से, 1 मोल ऑफ, भाई देखें, जिस एलिमेंट का भी आप मास कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका 1 मोल यहाँ पर देना है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय किससे करेंगे पता है, मास ऑफ ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ओ सॉरी, 1 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। इस तरीके से करेंगे, समझ लें, ये समझें, अंडरस्टैंड करें कि यहाँ इस मास ऑफ एलिमेंट की जगह क्या है हमारे पास, मास ऑफ कार्बन। अब हमें कार्बन का मास मालूम करना है, क्या मालूम करना है, कार्बन का मास, सही है। तो भाई देखें, कार्बन का मास मालूम करना है तो हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें कार्बन हो, जिस तरीके से यहाँ पर सी कार्बन से इसमें आ रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मोल ऑफ एलिमेंट, जो भी जैसे कि कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका मास, क्या बोला मैंने, मास, सही है। तो आपको इस तरीके से काम करना है, सही है। तो यहाँ पर ये स्टेप नंबर 1 होगा जो हम यहाँ फॉलो करेंगे, सही है। तो मैं एक करके लिखवाऊंगा फॉर्मूले वहाँ पर और यहाँ भी लिखवाऊंगा ताकि क्लियर और चीज़, सही है। तो भाई देखिए, यहाँ सेपरेशन बना रहा हूँ, सही है। सबसे पहले हमें करना क्या है, सही है,
हमारा जो कंपाउंड है वो कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सही है, कंटेन करता है, सही है। तो सबसे पहले हमें इनके मास पता होने चाहिए, क्या पता होने चाहिए, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, इनके सेपरेट मास, जैसे कि कार्बन का अलग मास होना चाहिए पता, हाइड्रोजन का अलग पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का अलग मास पता होना चाहिए। तो हम इन सब के कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर वन लिख देता हूँ, स्टेप नंबर वन, सही है। तो भाई देखिए, स्टेप नंबर वन में क्या करना है हमारे को, सबसे पहले हम मास ऑफ कार्बन मालूम करेंगे, मास ऑफ कार्बन, सही है, क्या होगा, वन मोल ऑफ कार्बन, वन मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय, सही है, वन मोल ऑफ कार्बन एंड वन मोल ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ CO2, सही है, क्या बोला मैंने, CO2 का मास, सही है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मास ऑफ कार्बन हमारे पास क्या आएगा, वन मोल ऑफ कार्बन, एक मोल ऑफ कार्बन पता कितना होता है, 12, कितना होता है, 12, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12, तो इस बात को याद रखिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 12 मल्टीप्लाई बाय, भाई देखो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा ना, ये तो हमें गिवन है, हमें तो लिखा हुआ है डेटा में, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3.105 ग्राम, सही है, तो 3.105 ग्राम ये गिवन है, और डिवाइडेड बाय क्या है बताएं। तो भाई देखिए, वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, देखें भाई कार्बन कितना होता है, 12, है ये, प्लस करना है, याद रखिएगा प्लस करना है हमेशा। और देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सीजन 16 amu या हम ग्राम भी लिख सकते हैं, और जो कार्बन है वो है 12 amu, है ये। तो भाई देखिए हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 16, और यहाँ पर 2 है ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 टूजा, तो भाई देखो एक जगह रुक जाऊँ, मैं यहाँ क्या करता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 इसके साथ है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, और 16 प्लस 2 इक्वल टू 44, समझ में आ गई। तो आप ग्राम भी लिख सकते हैं, amu भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स, व्हाट डू यू वांट टू डू, सही है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 44 यहाँ लिख देता हूँ ग्राम, और यहाँ कैलकुलेट कर लें, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा पता है, तो मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ, तो स्टूडेंट आफ्टर कैलकुलेटिंग, सही है, तो भाई मेरे पास जो वैल्यू आई है ना कैलकुलेट करने के बाद, वो क्या आई है, 0.8468, सही है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं लिख रहा, यहाँ तक ही लिखूँगा, सही है, मैं लिख रहा हूँ, तो 0.8684 68, सही है, तो यहीं तक ही लिख रहा हूँ, सही है। ये मास निकाला तो ग्राम लिख देता हूँ, सही है, और किसका है, मास ऑफ कार्बन, किसका है, मास ऑफ कार्बन, और इसको मैं ब्लैक में डाल देता हूँ ताकि ये सेपरेशन नज़र आए, ताकि अलग अलग नुमाया नज़र आए, सही है। तो एक काम हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करा, अब हमें जिस तरीके से कार्बन का मास निकाला, सही है, अब इसी तरीके से फ्रॉम सेम मेथड वी विल फाइंड आउट द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ सेम कैसे करेंगे, अब यहाँ मैं किसका मास निकालूंगा, मास ऑफ हाइड्रोजन। अब भाई देखें इसके अंदर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, पता है क्या, अब यहाँ पर अगर आपने हाइड्रोजन का एक मोल लिया ना, तो आपका जो मास निकलेगा वो रॉन्ग हो जाएगा। वो क्यों होगा, देखें भाई, क्योंकि मास जो है ना हाइड्रोजन का वो एक ही होता है एटॉमिक मास, तो आपको कम अज़ कम दो रखना पड़ेगा, सही है। तो आप यहाँ क्या लेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सही है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ H2O एंड डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, वन मोल ऑफ किसका, H2O का, सही है भाई, सही है। तो भाई डायरेक्ट हम लोग करते हैं जल्दी से, तो पूरा लिखना नहीं है मेरे को, देखें भाई अब क्या करना है, दो मोल हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो वन होता है, तो दो है तो टू लिख दूंगा, वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू से, तो हमें क्या मिलेगा,
टू मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ H2O। यहाँ पर हमने डेटा में लिखा है मास ऑफ H2O मतलब वाटर का जो मास है वो 1.27 ग्राम है। तो 1.27 ग्राम, अभी ग्राम को छोड़ो अभी हटा दो, तो ये आगे चलते हैं, डिवाइडेड बाय, सही है, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, अभी यहाँ भी मास हटा दो एटॉमिक मास को भी, देखिए भाई डिवाइडेड बाय किससे करना है, वन मोल ऑफ H2O। देखें भाई कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे पहले करा, सही है, एक मोल ही मांगा ना तो बस सही है। तो भाई देखें H का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है वन, क्या होता है वन, और कितने मोल है इसके, दो है, तो यहाँ करेंगे दो, सॉरी एक मोल है लेकिन दो एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो एटम है, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, सही है, ऑक्सीजन का कितने एटम है वन, तो मतलब 16 आ जाएगा इसका एटॉमिक मास, सही है। तो टू वन दा टू प्लस 16 प्लस 2 इक्वल टू 18, सही है। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कि अब मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है वन, और वन और यहाँ पर दो एटम है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक है तो इसको मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो वहाँ भी 16 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। तो भाई उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको समझाया, ताकि आपको आराम से समझाया, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो, सही है। तो यहाँ पर कितना आया 18, कितना आया 18, और यहाँ मैं फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई देखिए कैलकुलेटर हमारे पास है, तो वी कैन कैलकुलेट 2 मल्टीप्लाई बाय 1.27 एंड डिवाइडेड बाय 18, तो व्हाट विल बी द आंसर, 0.1411, सही है। तो ये लगा दो ग्राम, क्योंकि हमने मास मालूम करा है, और मास किस में होता है कि ग्राम में होता है। तो भाई ये तो हो गया स्टेप नंबर वन, अभी चल रहा है, अभी हमें क्या करना है, मैंने तो आपको बोला था कि कार्बन का सेपरेट चाहिए मास, हाइड्रोजन का सेपरेट चाहिए और ऑक्सीजन का सेपरेट। अब जो क्वेश्चन आने वाला है आपके सर पर, ठीक है, आपको जो थोड़ा सा परेशान कर सकता है वो क्या है, कि हम ऑक्सीजन का मास कैसे निकालें, क्योंकि ऑक्सीजन की तो वैल्यू गिविन ही नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी, सही है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे, सही है, तो टेंशन तो लेनी ही नहीं है बिल्कुल भी, सही है। तो भाई देखिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि थोड़ी जगह है तो मैं और नीचे करवा देता हूँ, किसका निकालना है, मास ऑफ मास, चलो मैं ब्लू से लिखता हूँ, ताकि मास ऑफ किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का, सही है, सही है। तो भाई देखिए किसका निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन, सही है, एक मिनट रुकें, इसको एक स्टेप को अभी छोड़ें, इस स्टेप को अभी मैं क्या बोल रहा हूँ छोड़ें, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन में हमारे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आ सकता है, सही है। तो हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, परसेंटेज, क्योंकि हमारा काम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें भाई स्टेप नंबर 3 यहाँ से शुरुआत कराता हूँ, स्टेप नंबर टू क्या है, स्टेप नंबर टू, अब यहाँ पर एक नया फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है मैं लिखवा देता हूँ, टेंशन लेने की बात तो है ही नहीं। तो भाई देखें अब हम मालूम करेंगे परसेंट ऑफ एलिमेंट, क्या मालूम करेंगे, परसेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का परसेंट मालूम करेंगे। देखें भाई क्या बात है, देखें ध्यान से देखें, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है एक है, और कार्बन एलिमेंट है एक है, सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने दो का मास निकाल लिया ना, तो हमें तीसरे के मास की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे परसेंटेज की ज़रूरत है, और परसेंटेज मेरे को तीसरे की ऐसे आसानी से निकल जाएगी, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हुए, तो इस बात को छोड़ दें, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, सही है। तो भाई देखें सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ, परसेंट ऑफ एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, जब ही मैंने पहले क्या निकाला था, मास निकाला था, सही है, एलिमेंट का मास मैंने क्यों निकाला, वो इसकी वजह से निकाला। हर स्टेप के पीछे एक रीज़न होगा, थोड़ा बड़ा है ये सवाल, लेकिन टेंशन नहीं लें, एक एक स्टेप सही तरीके से कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आराम आराम से कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग में बैठता रहे, सही है। तो भाई देखिए मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, पता है, मास ऑफ कंपाउंड, सही है, मास ऑफ कंपाउंड, और आपको पता है परसेंटेज निकालते हुए मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं, भूल गए क्या, कर दिया,
तो भाई ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एलिमेंट, सही है, कि आप किस तरीके से किसी की एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालें, सही है। तो भाई देखें, मास ऑफ एलिमेंट हमारे पास है, मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास है, सही है, सब कुछ है, तो बस सॉल्व कर देते हैं फटाफट। देखें भाई, अब हमें परसेंट ऑफ एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, परसेंट ऑफ कार्बन, सही है, परसेंट ऑफ कार्बन है। सबसे पहले हम कार्बन की निकाल लेते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की कैसे निकालेंगे वो भी समझा देता हूँ, सही है। देखिए भाई, सबसे पहले मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट मतलब मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना है 0.8468 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड हेयर देयर इज द वैल्यू, हेयर इज द वैल्यू 2.14, क्या है 2.14, है ये। तो बस कैलकुलेट करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो परसेंटेज में आएगी, है ये, किस में आएगी, परसेंटेज में। तो फटाफट निकाल लेता हूँ, देखें भाई 0.8468 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 2.14, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है ना वो आई है 18.71, सही है, 18.71% क्योंकि मैंने निकाला ही परसेंटेज है, तो इसको भी मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, सही है, इस बात का ख्याल रखिएगा, सही है। तो ये हो गया हमारा, अब यहाँ पर हमें तीनों की निकालनी होगी, सही है, अभी तो कार्बन की हुई है ना, अब तो किसकी निकालूंगा मैं, तो आपको पता है परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, सही है, कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला है मास ऑफ एलिमेंट, वो हमने निकाला है, हाँ मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि अब हाइड्रोजन की बात है तो हाइड्रोजन 0.1411, सही है। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, तो सेम ही रहेगा 2.14, तो जो हमारे पास परसेंट ऑफ क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगी, वो कितनी आएगी तो देख लेते हैं, सही है, तो 0.1411 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 2.14, व्हाट विल बी द आंसर, आवर आंसर इज 6.59, सही है, और भी आगे बस बहुत है, सही है, तो ये परसेंटेज में आ गया, सही है। वैसे तो हमें परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने परसेंट ही मालूम करा है, सही है, जैसे मैंने लगा दिया। तो देखें भाई आगे क्या करना है, अब हमें मालूम करने का जो मसला आने वाला है ना, जो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो हम कैसे मालूम करेंगे, तो भाई देखें मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सही है। यहाँ पर मैंने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमारे पास कोई वजह नहीं थी कैसे निकालना, सही, अब देखें मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों नहीं निकाला। देखें भाई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ परसेंट ऑफ किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन, आइए, तो मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि परसेंट कितने तक की होती है, तो आप बोलेंगे 100% होती है, सही है, क्या होती है 100%, तो इसका मतलब है ये जो चीज़, ये जो परसेंटेज निकली है वो 100 में तो निकली होगी। थोड़ा सा थोड़ा ध्यान और दें ताकि आपको समझ में आए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों की जब पेपर में परसेंटेज आती है, ये आती है वो 100 के अंदर से आती है ना, आपका जवाब होगा यस सर इसमें से आती है। तो भाई देखिए, 100 में से 18.71 कार्बन की आ गई, 6.59 हाइड्रोजन की आ गई, बाकी जितनी भी बची होगी वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की तो होगी, क्योंकि कंपाउंड कंटेन ही करता है तीन चीज़ें, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सही है। अब ये क्लियर हो गया होगा, अब मैं बताता हूँ मैंने क्यों नहीं निकाला, समझ में आ गया, ये रीज़न था इसके पीछे का कि मैंने कार्बन का मास नहीं निकाला, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने सवाल में ऐसा कुछ दिया ही नहीं था इससे मालूम करें, उम्मीद है क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं, देखिए भाई अब क्या करना है, भाई देखें अब 100% में से 100 में से माइनस कर दें, 100% में से माइनस कर दें किसको, पहले हाइड्रोजन को माइनस करते थे, 18.71% माइनस 6.59%, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे को मिल जाएगी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो फटाफट देख लेते हैं, वी हैव अ कैलकुलेटर। तो भाई देखें, 100 माइनस 18.71 माइनस 6.59, वेट माइनस 6.59, तो भाई क्या आंसर आया हमारे पास, 74.7, क्या आया 74.7%, क्या आया 74.7%, सही है। तो भाई देखें अब इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ फटाफट,
भाई देखिए, अभी यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल सुकून से हमने स्टेप नंबर टू को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? अब देखिए भाई, आपसे एक मैं बात बता दूँ एक आपको, कि मैं अब ये पोर्शन, ये जो मैंने पोर्शन लिखवाया है, ये मैं मिटाऊँगा, क्योंकि अब जगह नहीं है तो अब यहीं लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं रफ़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें आगे और स्टेप करने हैं। सही है, तो फटाफट रफ़ करते हैं उसको। देखिए, अब हम स्टेप नंबर कौन सा करेंगे? स्टेप नंबर थ्री। सही है भाई, अब स्टेप नंबर थ्री। सही है भाई, स्टेप नंबर थ्री में करना क्या है? सबसे पहला सवाल ये होगा। तो भाई देखिए, स्टेप नंबर थ्री में आप क्या करेंगे, हमने इसको परसेंटेज पहले निकाली ना, तो इसका एक रीज़न था। क्या था? एक रीज़न था जिसकी वजह से हमने परसेंटेज पहले निकाली। सही है, तो भाई देखिए, अब जो हम फॉर्मूला निकाल लेंगे ना, वो हम निकालेंगे मोल रेशो का। क्या निकालेंगे? स्टेप नंबर थ्री में हम क्या मालूम करेंगे? मोल रेशो। क्या मालूम करेंगे? मोल रेशो। है, और मोल रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? वेट, मोल रेशो है ना, तो यहाँ पर परसेंटेज एलिमेंट की आ गई। सही है, तो अब हम डिवाइड किससे करेंगे? हम डिवाइड करना पड़ेगा हमारे को एटॉमिक मास से। किससे करना पड़ेगा? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो भाई देखें, ये आ गया फॉर्मूला। सही है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अब हम यहाँ मोल रेशो किसका निकालने वाले हैं? सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सीजन का, सॉरी कार्बन का। सही है, तो हम यहाँ किसका निकालेंगे? कार्बन का। तो भाई देखें, मोल रेशो निकाल लें, मोल रेशियो ऑफ कार्बन किसका निकालें? कार्बन। तो भाई परसेंटेज एलिमेंट की, उसी एलिमेंट की क्या निकालेंगे? परसेंटेज। तो कार्बन की जो परसेंटेज आई है वो आई है 18.71% एंड डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो भाई देखें, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। क्या होता है? 12। सही है, तो बस डिवाइड करें तो व्हाट विल बी द आंसर? तो लेट्स सी। तो भाई देखें, 18.71 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास जो आंसर आया 1.55 आ रहा है। 1.55। सही है, तो ये हमारे पास आ गया मोल रेशियो। सही है, तो परसेंट को, तो स्टेप नंबर फोर में क्या है तो देखते हैं। स्टेप नंबर फोर में हम निकालेंगे रिलेटिव। क्या निकालेंगे? रिलेटिव रेशियो। क्या निकालेंगे? रिलेटिव रेशियो। सही है, या हम सिंपलेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो। सही है, तो भाई देखिए, अब क्या करना है? सही है, सिंपलेस्ट रेशियो आपको समझाया था, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आने वाला है अब जल्दी। सही है, तो रिलेटिव रेशियो में क्या करना है आपको, फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए भाई, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट क्या होगा? मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय किससे करेंगे पता है? आप इसको करेंगे, मोल रेशियो निकालेंगे एलिमेंट का, उसके बाद जो डिवाइड करेंगे ना वो आप कर देंगे, अल्लाह भला करे, एक सेकंड रुकें, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट ये आ जाएगा, ये वाली चीज़। सही है, तो आप पता है किससे करेंगे? लीस्ट मोल रेशियो। लीस्ट मोल रेशियो। सही है, देखें यहाँ पर इन तीनों के अंदर से, सही है, जो भी सबसे छोटा होगा ना मोल रेशो, सबसे छोटा, सही है, उसको आप डिवाइड करेंगे हर एलिमेंट से। नहीं समझ में आया? क्लियर करूँगा, देखते रहिए बस। सही है, कीप वॉचिंग। सही है, अब देखें, रिलेटिव रेशो निकाल लेना, तो अब देखें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सही है, देखें भाई, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मोल रेशो पहले हम लोग करते हैं कार्बन का, तो 1.55 ये आ गया, और डिवाइडेड बाय, अब मेन चीज़ है, अब इन तीनों के अंदर से मुझे ये बताएं आप कि इसके अंदर कौन सी छोटी वैल्यू है। तो भाई देखें, 1.55, 6.59, 4.66 है, तो आपका जवाब आ चुका है 1.55 इज़ द लीस्ट वैल्यू। चाहिए तो 1.55 डिवाइडेड बाय, तो उसको करेंगे तो हमारे को 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। अब इसका देखते हैं रिलेटिव रेशो अगला।
रिलेटिव रेशियो किसका निकालेंगे, आगे चलते हैं भैया। अभी मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ कार्बन ऑक्सीजन, तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ का लिख देता हूँ रिलेटिव रेशियो ऑफ हाइड्रोजन किसका, हाइड्रोजन का अब 6.59 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, इसी के लीस रेशियो से, इन तीनों का लीस रेशियो कौन है 1.55, तो कर देंगे इसको अभी फटाफट। तो रिलेटिव रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना है देख लेते हैं, 4.668 डिवाइडेड बाय 1.55, क्योंकि लीस्ट तो इसके अंदर 55 ही है 1 पॉइंट, तो बराबर देख लेता कैलकुलेटर से 6.59 डिवाइडेड बाय 1.55, तो व्हाट विल बी द आंसर 4.25, क्या आ रहा है 4.25। आगे इसका देखते हैं 4.668 डिवाइडेड बाय 1.5, तो व्हाट विल बी द आंसर 3.112 है ये? तो आगे करना क्या है तो देखते हैं। तो स्टूडेंट एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, सही है, तो मैं आपको बताता हूँ वो मिस्टेक मुझे कैसे पता चली, सही है। जब मैंने यहाँ की जो वैल्यूज़ अभी लिखी हुई थी उस वैल्यूज़ को मैंने जब चेक करा तो वो एक डेसिमल नंबर दे दी, सही है, जो थोड़ा सा टेढ़ा मेरा नंबर था, सही है, तो वो नंबर हिसाब से मेरा वो गलत था, सही, क्योंकि हमने पढ़ा है एम्पेरिकल फार्मूला में डेसिमल नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, होल नंबर आना चाहिए, सही है। एक ऐसी कंडीशन है, सही है, एक ऐसी कंडीशन है मैं आपको बता देता हूँ, अगर उस कंडीशन में अगर आप हैं, अगर उस कंडीशन में हैं, अभी तो नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, सही है। देखिए भाई, अगर आपका नंबर समझ लें, फ़र्ज़ करें कार्बन का आ रहा है 1.5 सिंपलेस रेशियो, इसका आ रहा है 2 और इसका आ रहा है 1, सही है। तो भाई देखिए, अगर आपका अगर एक नंबर भी डेसिमल में है, सही है, एक भी नंबर डेसिमल में, जैसे कि 1.5 है, सही है, तो मुझे पता है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे क्या मिलेगा 3, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अगर आपने इन तीनों में से एक को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करा, तो आप उन दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी जो मैंने आपको बताया मुझे पता चली मिस्टेक, और वो मिस्टेक हुई कहाँ थी पता है, वो मिस्टेक हुई थी हमारी जब हमने कार्बन, जब हमने निकाला था परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो डोंट वरी अबाउट इट, जो मैं एडिटिंग करूँगा तो उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो मैं थोड़ी सी चेंज कर दूँगा काट के, ताकि आपको सही नज़र आए वैल्यू, सही है। तो भाई देखिए, एक स्टेप भी हम आगे बढ़ते हैं, वो सही करवा देता हूँ आपको। देखिए कैलकुलेटर हाथ में लेता हूँ, तो उस वक्त शायद थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी कैलकुलेशन में। देखिए फॉर्मूले सारे वही है, सही है, सिर्फ जो कार्बन की वैल्यूज़ की जो परसेंटेज थी ना, वो एक्चुअल में आ रही थी 39.53, वो हमने गलत लिख दी थी, उसकी वजह से ऑक्सीजन की भी गलत आ रही थी, बाकी हाइड्रोजन की परसेंटेज सही निकली थी, सही है। सिर्फ ऑक्सीजन की क्या है थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग जब माइनस कर रहे हैं 100 में से, उसमें कार्बन भी तो माइनस कर रहे थे, कार्बन कम था तो उसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा था, सही है। तो भाई देखें, कार्बन की असली वैल्यू ये थी, उसके बाद जब मैंने माइनस करके निकाली तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज आई थी वो ये है, वो आपको सही नज़र आ जाएगी एडिटिंग की वजह, सही है। आगे इन सब का मोल रेशियो निकालने का तरीका क्या, डिवाइड करना, फॉर्मूला लिखा हुआ है, परसेंटेज हमने निकली है, उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, सब क्लियर कर चुका हूँ, तो बराबर बस वही करना है आपको, 39.53 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.294, सही है। आगे चलते हैं फटाफट, इसका तो 6.58 आ जाएगा वापस, 6.58, और इसका आगे देखते हैं 53.89 डिवाइडेड बाय 16, तो जो आंसर क्या आ रहा है 3.368। आगे देखते हैं यहाँ पर, सही है, हमने रिलेटिव रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो आप बोले तो कैसे मालूम करेंगे, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का रेशियो, देखो कार्बन का है ना, तो कार्बन का जो मोल रेशियो है वो ये है, तो हम क्या करेंगे 3.294 डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो, सही, तो लीस्ट जिसके अंदर है, जो सबसे कम है मोल रेशियो, उससे डिवाइड करेंगे, सही, तो 3.294 3.368, तो इसका मतलब है 3.294 कम है, तो ये लीस्ट है, सही है, तो 3.294, और जब हमने सॉल्व करा तो ये 1 और ये 1 और ये हो गया 1, हमारे को क्या आंसर मिलेगा 1, सही है। आगे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले 6.5
5.58 डिवाइडेड बाय, भैया आगे क्या है, हम क्या करेंगे लीस्ट मोलेज होता है वो क्या है 3.294। आगे चलते हैं, उसके बाद है ऑक्सीजन का तो 3.368 डिवाइडेड बाय 3.294। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि आपको पता है लीस्ट मोलेज रेशियो, आपको उसमें तो पता चल गया है वो ये है। तो आपको सबसे एक ही चीज़, एक ही नंबर को डिवाइड करना है, बाकी इन सब के मोल रेशियो आपको पर डिनोमिनेटर में रखने हैं। तो भाई आंसर देखते हैं, सही है, तो भाई 6.58 डिवाइडेड बाय 3.294, सही है, जब आप करेंगे तो 1.99757। तो इतना बड़ा तो नहीं लिखूँगा मैं, डायरेक्ट करूँगा 1.99। एक बात रुक जाएंगे, एक सेकंड की बात सुन लें बस। देखिए भाई 1.99 है ना, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 2 नहीं लिख सकता क्या? तो आपका जवाब आ गया होगा कि लिख सकते हैं सर। तो भाई देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिखूँगा, यहाँ क्या लिखूँगा 2, क्या लिखूँगा 2। आगे चलते हैं, देखते हैं इसको, तो आगे देखें 3.368 डिवाइडेड बाय 3.294, तो व्हाट विल बी द आंसर, तो 1.022 आ रहा है, तो उसका मतलब ये 1 के बराबर ही समझ लेंगे राउंड ऑफ करके, तो ये 1 के बराबर ही आ गया। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे कहता करेंगे, तो देखें भाई जिस सीक्वेंस हम चल रहे हैं ना, जिस सीक्वेंस में हमें दिया गया है कार्बन पहले है तो पहले आएगा, हाइड्रोजन बाद में है कार्बन के तो वो बाद में आएगा, ऑक्सीजन सबसे एंड में है तो वो एंड में रहेगा। देखिए सबसे पहले जो हमने निकाला कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1, आ गया। तो ये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये पता है किसका था, ये फॉर्मूला पता है किसका था, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, क्योंकि मेरे को तो पता है मैं लिख दूं लेकिन कंपाउंड हम लोग मालूम कर रहे थे, तो वो क्या है CH2O, ये हमारा होता है ग्लूकोज, क्या होता है ग्लूकोज, अभी लिखवाया था ना, तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे मालूम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, सही है। तो आज के लिए ये था, सही है, तो मैं एक सिंपलेस्ट जो आपको आसान तरीका है वो भी जल्दी से शॉर्टकट में बता देता हूँ। सो स्टूडेंट ये है वो शॉर्ट ट्रिक, इसको आप इस्तेमाल करें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपके दिमाग में ना फॉर्मूला होना चाहिए ये ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए, सही है। तो ये ट्रिक नहीं है, एक छोटा सा आसान सा तरीका है इसको करने का, बड़ा करने के बजाय आप इतने से कर सकते हैं। तो भाई आसान क्या है इस बात में आप देखें, अब इसका कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। देखें सवाल पढ़ लेते हैं, सबसे पहले डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, सही, कंपाउंड का हैविंग परसेंटेज, जिसका परसेंटेज है कंपोजिशन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिस तरतीब से लिखा है उसी तरतीब से आप सबसे पहले क्या लिखेंगे एलिमेंट, सबसे पहले कॉलम में एलिमेंट, सही है। तो भाई देखिए सबसे पहले जो एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, सही है। तो लाइन लाइन से तरकीब से हिसाब से चलना है आपको, सही है, तो इसका बड़ा ख्याल रखना है। आगे कार्बन की परसेंटेज 48.58 है ये, उसके बाद हाइड्रोजन की परसेंटेज 8.16% आगे, और ऑक्सीजन की 43.26। भाई देखिए ये मेथड आप जब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास परसेंटेज गिवेन हो, तो जो मैंने पिछले वाला मेथड मैंने क्यों कराया उसमें फॉर्मूले भी देने थे और आपको वो वाला तरीका भी बताना था जिसमें अगर आपको ग्राम में दिया हुआ हो तो आप परसेंटेज में लाने के बाद ये मेथड स्टार्ट कर सकते हैं, बंदा वही मेथड वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, सही, चॉइस इज योर्स। एटॉमिक मासेस किसके, कंपाउंड के, देखो एलिमेंट के, कार्बन की जगह पर कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 AMU अगर यूनिट लगाना है तो, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। आगे मोल रेशियो, मोल रेशियो निकालने के लिए एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था। तो भाई देखिए आपको क्या करना क्या होता है, परसेंटेज लेंगे एलिमेंट की और डिवाइड कर देंगे किससे एटॉमिक मास से, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसकी, देखिए मैं थोड़ा इधर होता हूँ, देखिए परसेंटेज कार्बन की 48.58 डिवाइड करता हूँ उसके एटॉमिक मास से, सही है, ध्यान से देखिए
48.58 डिवाइडेड बाय 12 है ये। उसके बाद 8.16 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 8.16। आगे ऑक्सीजन की 43.26 डिवाइडेड बाय, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, कितना होता है 16। सही है, कैलकुलेटर है, वी हैव अ कैलकुलेटर। सही है, तो भाई देखें 48.58 डिवाइडेड बाय 12 तो व्हाट विल बी द आंसर, 4.04, मतलब 4 ही समझ लिया समथिंग, कितना 4 ही आ रहा है। सही है, आगे आगे क्या है देखते हैं इसका, तो 43.26 डिवाइडेड बाय 16 तो व्हाट विल बी द आंसर, 2.7 आगे आ रहा है, लेकिन 2.70 आ रहा है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मेन स्टेप सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, तो भाई देखिए इनमें से लीस्ट क्या है, इनमें से भाई देखिए सिंपलेस्ट रेशियो का फॉर्मूला बताया था याद होगा, तो क्या था, क्या बोल रहा था कि मोल रेशियो को आप डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट ओ मतलब लीस्ट रेशियो से, इन तीनों में लीस्ट कम से कम सबसे छोटा जो रेशियो वो कौन सा है, 2.7 क्या है सबसे छोटा है, तो आप क्या करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को 2.7 से डिवाइड करेंगे। समझ में आई, तो अभी करते हैं, देखें 4 को डिवाइड करेंगे 2.7 से, सही है, उसी तरीके से 8.16 को डिवाइड करेंगे 2.7 से, इसी तरीके से 2.7 को डिवाइड करेंगे 2.7 से तो हमें मिलेगा 1। सही है, अब इसी तरह दोनों का देख लेते हैं कैलकुलेटर से। सही है, 4 डिवाइडेड बाय 2.7 सही है क्या आएगा, 1.48 समझ लें, 5 ही है क्या है, 1.5 ही समझ लें आ गया। सही है, राउंड ऑफ करने के बाद, सही है आगे 8.16 डिवाइडेड बाय 2.7 तो व्हाट विल बी द आंसर, 3। सही है, 3। अब आ गया बड़ा मसला, मैंने आपको बताया था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला में तो पॉइंट में डेसिमल में कोई वैल्यू होती ही नहीं है, होल नंबर होता है, लेकिन उसी के साथ मैंने एक तरीका और बताया था, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, आपका नंबर होल नंबर आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप कर सकते हैं, और जब करेंगे इधर से मल्टीप्लाई तो उधर भी मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। सही है, तो भाई देखिए 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो मुझे मिलता है 3, और 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो 6, और 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो 2 मिलता है। सही है, तो ये मेरे को मिल गए इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। सही है, सिंपलेस्ट रेशियो, अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर साइड में ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए, क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, देखिए कितना शॉर्ट मैटर है, इतनी जल्दी हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या है देखते हैं, इस क्या है, कार्बन पहले है तो कार्बन पहले आएगा, हाइड्रोजन बाद में है तो हाइड्रोजन इसके बाद आएगा, और ऑक्सीजन एंड में तो एंड में आएगा। देखें कार्बन कितने हैं 3, और हाइड्रोजन कितने हैं 6, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो भाई देखिए ये आ गया इसका फॉर्मूला, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसके अंदर, कैसे सॉल्व करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला को, कैसे कैलकुलेट करना है। सही है, तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर करा, फॉर्मूले ज़रूर याद करें, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आसान है, जो ये तो तरीका बहुत ही आसान है, ये भी मैं खुद इस तरीके से करता था भाई, सीधी सी बात बताऊं तो मैंने ये तरीका चूज़ करा था हमेशा, इस तरीके से करता था मैं, तो आप भी यही तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन फॉर्मूले उससे याद करें। सही है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।